डॉक्टर ने लुका दिया था, बस तू घर बैठ जा, मौत का इंतजार कर। इसका मतलब मौत का इंतजार करो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तो कोई नई रिसर्च हो जाए। तो यहाँ का वीडियो देखिए, मैं रैंडमली वैसे ही आ गया, मैंने कहा चलो भाई एक बार विजिट करके देख लेते हैं जुलाई में। तो वैद्य जी ने यह कहा कि तुम्हारा आगे से कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। अगर ये ना ब्लॉकेज खुलती तो इसके प्लास्टिक के पाइप डलने थे, जिसकी इसके पास विद रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे दिखा देना, कैमरा मार देने। बिल्कुल रिपोर्ट दिखाओ। लगभग 27 साल तक एक काटा तैयार करा है। पूरे पैर की जो मोटी नस होती है वो ब्लॉक हो गई थी, और वो ब्लॉक होते होते सारे पेट की नसें भी ब्लॉक हो गई थी, लंग्स की दोनों नसें ब्लॉक हो गई थी। बड़ा आराम मिल रहा है यहाँ। अच्छा, दो ऑपरेशन हुए, फिर 23 जनवरी 2020 में एक ऑपरेशन हुआ, मार्च 2020 में चौथा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में बैलूनिंग और जैसे एंजियोग्राफी होती है ना, उसमें वो नस पैर की नस में तार डाल के वो सारी नसें साफ कर देते हैं। कुछ मरीज आ रखे हैं, उनसे बातचीत करूंगी कि वो काटा पी कर ना उनका वाकई में राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके 2 साल बाद दोबारा ब्लॉकेज हो गए, तो 2022 में फिर मेरे 2 ऑपरेशन हुए, हार्ट ब्लॉकेज थी, और अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। काटा पिया है? हाँ जी, काटा बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। दवाई भी देवा है? दवाई भी बहुत बढ़िया। हाँ जी, परहेज भी बहुत जरूरी है। परहेज भी जरूरी है। तो नस फट जाएगी इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं ठीक हूँ तकरीबन, पर 1-2 महीने की दवाई जरूर लवाऊंगी। मैं 1.5 महीना हो गया खाली, ठीक है। ठीक हो? कितना हार्ट की बहुत सारी दिक्कत आ रखी है ना? सर्जरी हुई पहले। अच्छा, दोबारा फिर ब्लॉक की जाएगी? फिर दूसरी बार आ रहे हो? या तीसरी बार आ रहे? दूसरी बार। कुछ आराम को नहीं होया? आराम होया है। फिर ये कितना परसेंट आराम है? काफी है। 2-3 या 3 महीने में मेरा एक स्टंट तो पूरा 100% खुल गया। मेरे को हार्ट में ब्लॉकेज है, तो अभी खा रहा हूँ दवाई, टेस्ट करवाएंगे फिर पता चलेगा। वैसे ठीक है, बेटर है। अच्छा, बड़े बड़े मैक्स में दिखा लिया, 40 में दिखा लिया, कोई आराम नहीं पड़ा मेरा वहाँ, कुछ भी ना आराम होया। राम राम सारे ने, मैं उतर गया कुसुम गोयत, इस टाइम मैं हूँ कुरुक्षेत्र में, और यह डायलॉग सबने सुनागा, करोगे भला होगा भला। तो इसी चीज ने मैं तमने अड दिखाऊंगी, क्योंकि एक वैद्य है जो लगभग 27 साल तक एक काढ़ा तैयार करा है, ताकि उनसे भी पूछांगे उस काढ़ा के लिए जो भी बीमारी हो, जो भी समस्या हो ना, वह दूर कर दो। काढ़ा प्यावे है कोई दिन हो वह, इनका नंबर स्क्रीन पर मन दे रखा, उस पर फोन करके तुम पूछ सको हो, क्योंकि ये लुधियाना भी बैठा है और कुरुक्षेत्र भी बैठे हैं। किस दिन कित पावेंगे वो तो देखो, इन तय फोन करके पूछियो तम। लेकिन अब मैं ना कुछ मरीज आ रखे हैं, उनसे बातचीत करूंगी कि वो काढ़ा पी कर ना उनका वाकई में राम हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल देखो ऊपर भी देख सको हो, इन भी अपनी जो लाइन लिख रखी है कि भाई करोगे भला होगा भला, और जो 27 साल तक पुराने और वैद्य का नाम है जो है वो है बाबा वैद्य, और ये दवाई भी देवे हैं। तो फिलहाल देखो ऊ तो दवाई भी देवे है, लेकिन काढ़ा तैयार करा है, खास करके काढ़ा तो फेमस है ये, लेकिन तब न सारी समस्या का जो समाधान है एक के छत के नीचे मिल जाएगा। और फिलहाल देखो मैं कुरुक्षेत्र में हूँ, कुरुक्षेत्र में मैं यार एंट्री करूँगी ना, तो यार कुछ बहुत सारे लोग और लोग के यार जो एक बार ये देखो कितनी लाइन लग रही है गाड़िया की, इतनी गाड़ी है परली साइड भी, परली साइड पार्किंग में भी कितनी जमान घने आदमी आ रखे हैं, कुछ तो दवाई लेकर जा लिए, कुछ ही आने लग रहे हैं। ये तो सबेरे सबेरे का टाइम है, मतलब एंट्री होने लग रही है। यार कुछ आंटी बैठी पर तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक सो? हाँ जी। आप दवाई लेना रही हो? हाँ जी। किस चीज की? हार्ट ब्लॉकेज दी। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आई हो? पिहोवा। पिहोवा तो आई हो? हाँ। पहली बार दवाई ले रही है या लेकर जा चुकी हो पहले भी? नहीं जी, मैंने 7 महीने हो गए दवाई ले। 7 महीने हो गए। हाँ जी। कुछ आराम लगा है? मैं ठीक हूँ तकरीबन, पर 1-2 महीने की दवाई जरूर लवाऊंगी। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब प्रॉपर ठीक हो जाए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा नुको है ये काढ़ा कूढ़ा प्या वैसा भी कुछ है के? हाँ जी, काढ़ा प्या है। हाँ जी, काढ़ा बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और दवाई भी देवा है? दवाई भी बहुत बढ़िया। हाँ जी, परहेज भी बहुत जरूरी है। परहेज भी जरूरी है। हाँ जी। बिल्कुल भाई, आप क्या कहना चाहोगी जी? अकेले इनके ला रही हो? राम राम जी। पहले तो राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगी? आपने भी दवाई ली है क्या? हाँ जी, आपने किस चीज की? हार्ट ब्लॉक की। हार्ट ब्लॉक की। हाँ जी। अच्छा, और कितने दिन ली पहले यारे ते? मतलब यारे लेने ते पहले और कहीं से नहीं ली क्या? नहीं, मैं डॉक्टर को जब चेक कराया ना 1-2 महीना खाई, फिर इधर पता चल गया इंस्टाग्राम तो देखी। अच्छा, फिर इधर मैं पता लग गया, फिर इधर लेने वास्ते आए असी। अच्छा, और मैं 1.5 महीना हो गया खांदी हूं। ठीक है, ठीक हो? हाँ। कितना आई हो आप? असी तो सिंदोपुरा जिला क्षेत्र सिंदोपुरा। अच्छा अच्छा। हां जी, चलो भाई बिल्कुल बढ़िया है। आज ही आए? आज ही आए हो? पहली बार आए हो? किस चीज की दवाई लेना है? हार्ट स्टंट ले। चलो भाई। स्टंट ले। स्टंट किनको?
अच्छा, पहली बार आई हो? पहली बार आए। वीडियो देख के आए हो या किसी ने बताया है? वीडियो देख के आए। वीडियो देख, चलो भाई पहली बार आए हैं, पहली बार में तो नो है, जब लोग दवाई नहीं लेंदे तो फिर कोई पूछा। राम राम जी, आप भी पहली बार आए हो? अच्छा, राम राम जी, कितना आए हो? पिंजौर से। हैं? पिंजौर, पिंजौर। पहली बार हो या फिर पहले लेकर? पहले लुधियाना से लाया था। लुधियाना से लाए थे, किस चीज़ की दवाई लाए? हार्ट की। हार्ट की, हार्ट की बहुत सारी दिक्कत आ रखी है ना? सर्जरी हुई पहले। अच्छा, दोबारा फिर ब्लॉक की जाएगी। फिर दूसरी बार आ रहे हो या तीसरी बार आ रहे हो? दूसरी बार। कुछ आराम को नहीं होया? आराम, आराम होया है। फिर ये कितना परसेंट आराम है? काफी है, काफी है। काटा वगैरह इन्होंने पिया था आप तभी या फिर कुछ एक दो बीमारी आता ही पिया हुआ है? बिल्कुल सब तक पिया हुआ है। दवाइयाँ भी दी थी? दवाइयाँ इनको है क्या दिक्कत? अच्छा आपको, ये तो आपके साथ में ही है। अच्छा बच्चे, चलो भाई ठीक है। फिलहाल नु है राम होना चाहिए क्योंकि आदमी बेचारा इतनी दूर तावे, इतने रुपए खर्च कर कावे। राम राम अंकल जी। हाँ जी, राम राम, राम अंकल राम राम जी। ठीक सो? हाँ, कितना आए हो आप? मेरे को हार्ट में ब्लॉकेज है तो अभी खा रहा हूँ दवाई, टेस्ट करवाएंगे फिर पता चलेगा। वैसे ठीक है, बेटर है। अच्छा अच्छा, पहली बार दवाई ले रहे हो? नहीं, चौथी बार। चौथी बार ले रहे हो? अब कितना रिजल्ट लग रहा है? ठीक लग रहा है महसूस? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है अभी। अच्छा, महसूस कुछ नहीं? अच्छा, तू बताओ इससे पहले और कितने आदमी चेकअप कराया? बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल अंकल जी, बहुत। नहीं, मेरे को जनवरी में हुआ था तो मैं दवाई ले रहा हूँ दूसरी भी, हार्ट की स्पेशलिस्ट को वो भी साथ दवाई ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर किस दवाई तक आराम लग गया? जो दूसरे डॉक्टर ने दी थी उस तक लग गया या फिर जो बाबा जी ने दी थी उस तक लग गया? मेरे को पहले ही फर्क पड़ गया था, वैसे इससे भी बेटर है, इससे भी ठीक है। इससे भी ठीक है। इन्होंने काढ़ा पिलाया था आपको? हाँ, काढ़ा सबको ही पिला मैं, मतलब। अच्छा, दवाइयाँ भी देते हैं? चलो भैया, वैसे ठीक है, वैसे ठीक है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं, है ना? हाँ अंकल जी, राम राम। राम। ठीक सो अंकल जी, कितना है वहाँ पर? दमतान साहब। दमतान का? दमतान साहब। अच्छा, के दवाई किस चीज़ की दवाई लेना है? गठिया बागी। गठिया बागी, पहली बार आए हो या फिर पहले भी लेके जा रही है? तीसरी बार। तीसरी बार आए, फिर राम नहीं होया? या है। अच्छा, इनको दवाई लेनी है, कितना राम हो रहा आंटी का? कितना राम आंटी? नाखून खराब थे, नाखून तो ठीक हो गया है। ये ठीक से? हाँ, नाखून तो ठीक है और गोड्डे में आप समा और राम को आप काम नहीं कर दिया आप बताए। अच्छा अच्छा, हाथ तो ठीक है? नाखून तो ठीक है, ऊन जुकर बटन खोलने बैठने कोई चीज ठानी हो वन काम कर। अच्छा अच्छा, वो ही बेकार नाम होता है वो। हाँ। मतलब कितिया और तले ही हो दवाई और याड तले ही हो, दोनों में फर्क लगता हो थोड़ा बहुत? इसकी दवाई तो है, नाखून ठीक हो। नाखून ठीक है, धीरे धीरे होगा आंटी राम, एकदम तो नुह छाड़ देनी सी तो को नहीं होगा, है ना? धीरे धीरे राम होगा। तीसरा हफ्ता हो गया जी। ठीक सो। हाँ जी, बढ़िया जी। किस चीज की दवाई लेना रहे फिर? मैं किडनी के लिए आया हूँ। किडनी की? हाँ जी। आपकी खुद की या किसी और? मेरी अपनी है। क्या दिक्कत हो रही किडनी में? किडनी में क्रिएटिन की समस्या है थोड़ा। अच्छा, इसलिए आया हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। फिर याडा किसी ने बताई है कि? हाँ जी, बताया मैंने, यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे मैं देख के आया हूँ, कुछ लोगों से सुना था भाई बड़ा आराम मिल रहा है यहाँ से। अच्छा, वो बड़े डॉक्टर बतेरे हैं, सोचा आप आकी भाई कोई बड़ा डॉक्टर तो दिखा दे, स्पेशलिस्ट तो दिखाए हो। मैंने बड़े बड़े मैक्स में दिखा लिया, 40 अच्छा? में दिखा लिया, कोई राम नहीं पड़ा मेरा वहाँ। कुछ भी ना राम होया? कितने दिन मतलब चेकअप करवाया? 6 महीने से चल रहा हूँ। 6 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ एलोपैथिक, मेरा तो अभी तक कोई राम नहीं पड़ा उससे, लेकिन अब देखूँ यहाँ से आयुर्वेदिक लेके भाई कुछ पड़ जाए जो परमात्मा की कृपा। अच्छा अच्छा, आप पहली बार आए हो? पहली बार आए। अच्छा, पहली बार दवाई ले रहे हो। बाकी लोग को है ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं और काढ़ा वगैरह भी तैयार करके देते हैं, है ना? मैंने भी। अच्छा चलो भाई, फिलहाल पहली बार आए हैं यारे। लियो भाई, मेरे गले बाबा जी है जो 27 साल तक सेवा दे रहे हैं, 27 साल तक आयुर्वेदिक दवाइयां गले जो है मरीजा ने ठीक कर रहे हैं। तो फिलहाल जी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ओके। किस किस बीमारियों की जो है दूर करो हो आप, कौन सी दवाई दे हो, क्यों कर दे हो, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे हमारे दर्शकों ने? बिल्कुल, आपको ना मरीज बुलाते हैं, ये भैया मेरठ से हैं। अच्छा, तो इनको विस्तार से बताना क्या हुआ था आपको? मैं एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2019 में, उसकी वजह से मेरे लेफ्ट पैर में पूरे पैर की जो मोटी नस होती है वो ब्लॉक हो गई थी, और वो ब्लॉक होते होते सारे पेट की नसें भी ब्लॉक हो गई थी, लंग्स की दोनों नसें ब्लॉक हो गई थी। तो 21 जनवरी 2020
2020 में मेरे दो ऑपरेशन हुए, फिर 23 जनवरी 2020 में एक ऑपरेशन हुआ, मार्च 2020 में चौथा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन में बैलूनिंग और जैसे एंजियोग्राफी होती है ना, उसमें वो नस पैर की नस में तार डाल के वो सारी नसें साफ कर देते हैं, बैलूनिंग करके कुछ बोलते हैं। उसके दो साल बाद दोबारा ब्लॉकेज हो गए, तो 2022 में फिर मेरे दो ऑपरेशन हुए और दो करीब 12 इंच से ज़्यादा नसें ब्लॉक थी, तीन इंच तो साफ हो गई, 9 इंच में स्टंट डाल दिए, एक 3.75 इंच का और एक 6 इंच का स्टंट डाल दिया। स्टंट डालने के 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो दोबारा ब्लॉक हो गई स्टंट, और अब डॉक्टर्स ने कह दिया कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, एक आखिरी इलाज था ऑपरेशन करना कि दोबारा नसों की सफाई होना, लेकिन नसें कमज़ोर हो जाती हैं बार बार तार डालने से, तो नस फट जाएगी, इसलिए ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। तो मैं दो तीन हालांकि हॉस्पिटल की इसमें कोई गलती नहीं है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जान बचाई मेरी, लेकिन एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जो ब्लॉकेज बन गए उन्हें दवाइयों के माध्यम से साफ करने का। तो इंटरनेट पे इंस्टाग्राम पे 5-6 बार मैंने यहाँ के वीडियोज़ देख लिए थे, तो जनरली मैं ऐसे विश्वास करता नहीं था, मैंने कभी ऐसे तो चलता रहता है ये सब एडवर्टाइजमेंट है। अब जब सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कोई, तो मुझे लगा यार एक बार यहाँ भी मौका देके देख लो, वैसे जाके देख लो, इलाज तो कुछ है ही नहीं। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा तुम इंतजार करो, मैंने कहा किस चीज़ का इंतजार करूँ, तो वो चुप हो गए, इसका मतलब मौत का इंतजार करो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तो कोई नई रिसर्च हो जाए। तो यहाँ का वीडियो देखिए, मैं रैंडमली वैसे ही आ गया, मैंने कहा चलो भाई एक बार विजिट करके देख लेते हैं जुलाई में, तो वैद्य जी ने कहा कि तुम्हारा आगे से कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, लेकिन पुराने ब्लॉकेज घोलने की या उसे डाइल्यूट करने की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम आपको ऐसा नहीं बोलते कि पुराने ब्लॉकेज ओपन हो जाएंगे, लेकिन नए ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। फिर भी मैं जैसे वैद्य जी ने बताया, परहेज मैंने बहुत स्ट्रिक्टली रखा जैसे वैद्य जी ने कहा, और दवाई खाता रहा, 2-3 या 3 महीने में मैं मेरा एक स्टंट तो पूरा 100% खुल गया और दूसरा स्टंट 4.5% खुल गया, क्योंकि जब दिल में डर रहता है तो हम टेस्टिंग लगातार कराते हैं उसका इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। अब 3 महीने में जब मैं मेरे स्टंट खुल गए तो मैं थोड़ा लापरवाह हो गया, क्योंकि मौत का डर तो निकल ही गया। अक्टूबर के बाद मैं अब आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे मुझे ना स्टंट ब्लॉक होने के बाद वीकनेस आती थी, चक्कर आना, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ली तो वीकनेस बॉडी में आना, वो सब चीज़ें भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। देखो भाई बिल्कुल मतलब नूनी है कि भाई आप दवाई ले रहे हैं तो 2-3 महीने में आराम हो गया तो बीच में दवाई छोड़ देंगे, नु क्या करा कि भाई आयुर्वेदिक दवाई जड़ तक खत्म करा करे समस्या ना, लेकिन धीरे धीरे करा करे, नु को ना एक दम तक खत्म कर दे, यह बात है नी जी। बिल्कुल इसके प्लास्टिक के पाइप डलने थे जी, अगर ये ना ब्लॉकेज खुलती तो इसके प्लास्टिक के पाइप डलने थे, जिसकी इसके पास विद रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे दिखा देना, कैमरा मार देना, बिल्कुल रिपोर्ट दिखाओ। ये देखो भाई बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कर दी है, ये लगभग कितने दिन और इलाज चल रहा था बाबा जी का? इसने तो दवाई 3.5-4 महीने खाया अभी, अगर अब सही टाइम पे आई जाता तो हो सकता अब तक 100% ये ठीक हो जाता। तो जो कमजोरी फील कर रहा है एक दो दिन और दवाई चलेगी इनकी? नहीं अभी कमजोरी नहीं फील कर रहा, अभी इसको पहले से बेस्ट है, बेस्ट है तो? हाँ ब्लॉकेज खुलने के बाद इसको बेस्ट लग रहा है, कमजोरी नहीं फील कर रहा। तो अभी इनकी दवाई चलेगी या फिर? बिल्कुल 4-5 महीने और चल सकती है इसको। अच्छा। देखो भाई डॉक्टर ने नु कह दिया था बस तू घर बैठ जा, मौत का इंतजार कर, मतलब सीधी सी यही बात कही थी। तो भाई बाबा जी ने बिल्कुल स्वस्थ कर दिए है, ठीक कर दिए है, तो हमने भी बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर। और कौन सी जो समस्या? देखो सबसे आयुर्वेदिक में हर बीमारी का हल है, आयुर्वेदिक में हर बीमारी का हल है, बस ये अभी हमारी समझ में आना चाहिए। जिसका नहीं समझ में आता, अभी सरदार जी को 1 घंटे से 2 बार अंदर बुलाया है ना, नहीं बस कंट्रोल में था, उसको जवाब दे दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास कोई हल नहीं है, आधे घंटे से उनकी रिपोर्टें देख रहे थे अंदर। अकेला काढ़ा नहीं होता, इसके साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं प्लस डाइट चार्ट है, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये नहीं होता भी अकेला काढ़ा पी के कोई आदमी ठीक हो जाएगा, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जो परहेज नहीं रख सकते वो हमारे पास ना आया करे, वो ठीक नहीं हो सकते। मतलब इसमें परहेज ज्यादा जरूरी है, है सबसे जरूरी परहेज है, जब तक परहेज नहीं रखेगा आदमी कभी ठीक ही नहीं हो सकता। अच्छा जी कुरुक्षेत्र कद-कद बैठो, कुरुक्षेत्र हमारा स्क्रीन पे नंबर चलेगा, वो बच्चे बता देंगे, हम लुधियाना मानसा कुरुक्षेत्र दसुआ ये चारों जगह हमारे अलग अलग हॉस्पिटल हैं, स्क्रीन पे नंबर चलेगा उस पे बच्चे बताते हैं किस किस दिन कहाँ कहाँ बैठते हैं, कब कब मिलते हैं। बार मैंने पूछा, बहुत सारे बोल रहे थे कि भाई जितना यादा आराम हो रहा है उतना तो कितिया कितने बड़े हॉस्पिटल में भी ना मिल रहा है। नहीं वो तो देखो हर आदमी का अपना अपना विश्वास है ना, समझ गए, मैं तो कह ही रहा हूँ हम कुदरत के साथ जोड़ रहे हैं लोगों को, कुदरत उनको ठीक कर रही है या उनको परहेज ठीक कर रहे हैं। अच्छा इसमें कोई
आप जो दवाई दे कोई साइड इफेक्ट वगैरह किसी की दूसरी दवाई भी गिल्ला चल रही हो? नहीं नहीं बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जिसको जरूरी होता है जैसे कोई हार्ट का मरीज है उसकी इमरजेंसी एलोपैथी किसी किसी के साथ चलानी पड़ती है। कितने साल से सेवा दे रहे हो आप? ये 32-33 साल हो गए जी मैं। अच्छा, लुधियाना में काम करते हैं, कुरुक्षेत्र में भी दूसरा साल हो गया मेरा ख्याल। अच्छा सर, चलो भाई फिलहाल देखो इस वीडियो में तो हमने देखा कि बना है ना मरीजा से बातचीत करी है और मरीजा की राय तो हमने जान ली होगी कि भाई कोई पहली बार आया है, कोई तीसरी बार, कोई दूसरी बार, किसने के बताया वो तो हमने पूरी वीडियो में देख भी लिया होगा। फिलहाल स्क्रीन पर हमने नंबर दे रखा बाबा जी पे, बाबा जी का जो है, और फोन करके अड़ा आइयो, फोन करके ना पूरी डिटेल ले लियो, ऑनलाइन भी दवाई दे दो। नहीं बिल्कुल नहीं जी, आना पड़ेगा एक बार, आना पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन किसी को दवाई नहीं भेजा जाता जब तक मरीज को देखा नहीं जाएगा, किसी को दवाई नहीं भेजते। बिल्कुल भाई, मैं भी नुए कहेंगे आओ देखो तसल्ली करो, बढ़िया लगा तो दवाई ले ना तो तारी मर्जी है। फिलहाल वीडियो ने कर दियो शेयर, और हाँ एक दूसरी वीडियो में मैं पूरी काढ़ा की वीडियो तैयार करूंगी, यानी कि किस तरीके से काढ़ा बनावे है बाबा जी, किस तरीके से मरीज को पिलावे है, वह भी वीडियो जरूर तो जरूर देखियो, और इसने शेयर कर दियो, कॉमेंट में अपनी राय लिख दियो। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मंदे दो इजाजत, राम राम।